नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के इस टॉपिक को सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर टॉपिक आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर देख करके इस तरीके से लग रहा है कि इसमें काफी कुछ चीजों को समेटने का प्रयास किया गया है। बेसिकली इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक निर्धारित किया हुआ है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में पदक, योम हॉकी की ABCD, यह इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक को समेटने का प्रयास करता है, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपके लिए जो भी सवाल पूछे जाए वहां से आप उसको हल करने में जो है सफल हो सके। तो हम इसके एक एक पक्ष को यहां पर उकेरने और देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हॉकी को देख लेते हैं, क्योंकि भारत का हॉकी में इस बार जो थोड़ा सा विशेष प्रदर्शन रहा है, और वहीं पर दूसरी बार अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो भारत का ओलंपिक में एक लंबा इतिहास सफलता कर रहा है, जहां पर 1962 से लेकर के 1980 ईस्वी के बीच में भारत लगभग 8 बार जो है स्वर्ण पदक, वहीं पर 1 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम कर चुका है। तो सबसे पहले हम हॉकी को इस लेक्चर में शामिल करते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे था और किस तरीके से भारत का इसमें जो प्रदर्शन बेहतर हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर ये बातें हैं कि हॉकी का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम आधुनिक समय में आधुनिक हॉकी का जन्मदाता के रूप में देखें तो ये इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड को आधुनिक हॉकी का जन्मदाता कहा जाता है। और यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर देना है कि 1924 ईस्वी में ब्रुसेल्स के बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक स्थान पर हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH की जो है स्थापना की गई, जबकि इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है यानी कि स्थापना इसका 1924 ईस्वी में बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक स्थान पर किया गया, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में यह है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज की 1908 ईस्वी में इसे ओलंपिक खेलों में जो है शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? हॉकी को 1908 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में, और 1958 ईस्वी में इसे एशियाई खेलों में शामिल किया गया। ये जो है हॉकी की ABCD के रूप में जो है आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। यहाँ से जानकारी भी होना आवश्यक है और प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि 1908 ईस्वी में से हॉकी को जो है ओलंपिक खेलों में और 1958 ईस्वी में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। और वर्ल्ड हॉकी, पहली बार विश्व हॉकी अगर देखा जाए तो कप 1971 ईस्वी में विश्व हॉकी आयोजित किया गया था, वो 1971 ईस्वी में। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर है, 1908 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में पहला हॉकी विश्व कप, 1971 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ये हॉकी के प्रारंभ, इसका जो जन्मदाता है आधुनिक हॉकी का, वो इंग्लैंड को माना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1924 ईस्वी में ब्रुसेल्स 1924 ईस्वी में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो इसकी स्थापना की गई, और इसका वर्तमान समय में जो मुख्यालय है वो लुसाने के स्विट्जरलैंड में किसका, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का है। तो ये वैश्विक स्तर पर जो प्रारंभ और उसके विभिन्न प्रकार की स्थापना तथा खेलों का विभिन्न प्रकार के जो है संस्मरणों में जो है शामिल करने का जो है ये महत्वपूर्ण प्रयास है। अब हम भारत के संदर्भ में थोड़ा सा इसको जो देखने का जो है प्रयास करेंगे कि भारत में अगर देखा जाए तो ये 1925 ईस्वी में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया, और वहीं पर जो है 2009 ईस्वी में हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। 2009 ईस्वी में हॉकी इंडिया की स्थापना की गई, और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 ईस्वी में ही किया जा चुका था। 2009 ईस्वी में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, ताकि अगर इसके प्रदर्शन को ओलंपिक तथा अन्य खेलों में सुधारा जाए तो उसके लिए क्या रणनीतियां हो सकती हैं। तो 2009 ईस्वी में इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जहां पर पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, वहीं पर 2009 ईस्वी में आकर के हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। और ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये खेल जो है न केवल भारत में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि ओलंपिक में जो प्रदर्शन किए जाते हैं उसके आधार पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आप लोगों के लिए ये जो है भारतीय संदर्भ में ये दोनों चीजें जो दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हॉकी का ओलंपिक में प्रदर्शन देखा जाए तो भारत अब तक 8 बार जो है गोल्ड और 1 बार जो है सिल्वर और 2 बार जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम कर चुका है, यानी कि अब तक जो है 11 बार पदक जो है हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक में भारत को मिल चुके हैं, जो भारत के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद 1980 के बाद भारत के प्रदर्शन उतने बेहतर नहीं रहे जितने की अपेक्षित थे और होना चाहिए। लेकिन हम इस बार जो है हॉकी के ABCD इसलिए करंट अफेयर्स में शामिल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन अन्य बार की ओलंपिक की अपेक्षा बेहतर हुए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पर शामिल करना आवश्यक हो जाता है। तो अब इसके बाद हम वर्तमान समय में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल इस वक्त चल रहे हैं हम उस पर थोड़ा सा पदक तालिका पर जो है नजर डालते हैं और देखते हैं ये भारत की स्थिति अभी 60 से भी ऊपर बनी हुई है पदक तालिका में, जो कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें और भी बेहतर होने की स्थिति होनी चाहिए। और इस ओलंपिक में जो पहला पदक था वो वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में था। वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में भारत को पहला पदक प्राप्त हुआ मीराबाई चानू के द्वारा पहला पदक जो है प्राप्त हुआ। और यहां पर ये पदक जो है वो सिल्वर था। इनके बारे में ये बता दें, मीराबाई चानू जो है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर की जो है पूर्वोत्तर का हमारा एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर है जहां की ये जो है निवासी हैं, और भारत के लिए जो है ये टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जो है ले आई है। दूसरी तरफ पीवी सिंधु यानी कि इनका पूरा नाम जो है पुषरला वेंकट सिंधु है, और इस बार इन्हें जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो ये दो खिलाड़ी हैं जो अब तक टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हो रहा है उसमें जो है वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर पदक प्राप्त किया जा चुका है, जो कि मणिपुर की खिलाड़ी हैं। इसके पूर्व इन्हें राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में भी जो है पदक प्राप्त हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी खिलाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए जो पदक लेकर के आई है वो पीवी सिंधु है, जो बैडमिंटन के क्षेत्र में कांस्य पदक ले आई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक और चीज फैक्ट को जो है यहाँ पर दिखाना जरूरी है कि यह जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में एकल महिला खिलाड़ी हैं और ये लगातार 2 ओलंपिक पदक में भी जो है पदक भारत के नाम कर चुकी हैं। इसके पहले रियो ओलंपिक 2016 में भी भारत के लिए इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न का पूछा जाना तय ही तय है, इसलिए आपको यहाँ पे किसने प्राप्त किया, वो किस राज्य से है और वो किस खेल में प्राप्त की हैं और कौन सा जो है उनके पदक का रंग है, इन चीजों को जो है ध्यान में आपको रखना है। और यहां से सवाल आपके लिए परीक्षा में पूछा जाना लगभग तय है। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की जो है खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक है। यद्यपि ये भारत की है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन प्रदेश को भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना थोड़ा सा जो है महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं महिलाओं के हॉकी ओलंपिक खेलों में, और भारत अब तक के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाने में जो है सफल रहा है। भारत लगातार जो है यहाँ पर पदक तालिका में ऊपर जाने के लिए प्रयासरत है महिला खिलाड़ियों के द्वारा। अब तक क्वार्टर फाइनल तक का जो है रास्ता फतह कर लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर रंग के साथ जो है गोल्ड पर अपना कब्जा करने में जो है सफल हो और इतिहास में अपना नाम जो है स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवाए। वहीं पर पुरुष हॉकी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इसका प्रदर्शन थोड़ा सा ठीक नहीं रहा और ये जो है बेल्जियम से फाइनल में हार करके जो है अब कांस्य पदक के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कांस्य पर इसका जो है कब्जा सुनिश्चित हो पाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में संपन्न हो रहा है इसके विभिन्न प्रकार के जो है भारत की पदक तालिका हॉकी के ABCD और इसी के साथ में जो है हॉकी के क्षेत्र में जो महिला और पुरुष टीम का जो प्रदर्शन अलग अलग समय पर रहा है उसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। एग्जाम में आगामी एग्जाम और परीक्षाओं में यहाँ से सवाल एकदम पूछा जाना है, इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से तैयार करने का प्रयास कीजिए। अगले लेक्चर में पुनः हम इसी के दूसरे ओलंपिक भाग को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसे आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।